हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक दूसरे मैकेनिक से एक गाड़ी आई हुई है। उसका एक नंबर सिलेंडर ठीक काम कर रहा है, 3, 2, 1 बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है। हालांकि उसने पलक, सील, वायर सब चीज़ चेंज कर लिया है, फिर भी वो गाड़ी मिसिंग हो रही है। एकदम बहुत बुरी तरीके से मिसिंग हो रही है। ऐसा मिसिंग हो रही है कि गाड़ी भाग नहीं रही है। जैसे पिकअप पकड़ता है ना, वो पिकअप ही नहीं पकड़ रही है गाड़ी। और उसने वो इंजन का, हेड का भी सब चीज़ का काम करवाया है, फिर भी वो गाड़ी मिसिंग हो रही है। उसका फ्यूल फिल्टर, फ्यूल पंप सब चीज़ उसने चेंज करके देख लिया है। उसके बाद वो मेरे पास गाड़ी भेजा है। हालांकि प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, छोटी प्रॉब्लम है। मुझे मालूम है क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसका प्रॉब्लम टैपिट का है, इसमें ऑटोमेटिक टैपिट है। और सब गाड़ी में एडजस्टिंग वाला टैपिट आता है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक है। ऑयल के प्रेशर से टैपिट काम करता है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको क्या प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है। चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो चले फ्रेंड, गाड़ी की तरफ आ चुके हैं। देखिए, ये पूरा वायर चेंज हो चुका है। वायर, प्लग, सब कुछ चेंज करके देख लिया, क्योंकि ये गाड़ी 1 महीने तक पड़ी हुई थी, इसलिए मेरे पास नहीं है। अब चलिए हम इसका पहले टैपिट खोलते हैं। टैपिट चेक करते हैं कि इसका जाम है कि फ्री है। वो मैं पहले इसका चेक करके कंफर्म कर लेता हूँ। तो ये पूरा पाइप उप खोल के हटा देंगे। अब हम ये बोल्ट खोल लेंगे, 13 mm का बोल्ट है। पूरा तीनों बोल्ट खोल के हटा देंगे। से बाहर कर लेंगे। इसमें टैपिट एडजस्टिंग वाला नहीं है, इसमें ऑटोमेटिक टैपिट है। ये ऑटोमेटिक ही टैपिट आपका अपने आप सेटिंग होगा। एक आता है ना जो स्क्रू ड्राइवर और 10 या 12 के का बोल्ट आता है, उसे लूज करके हम टैपिट मिलाते हैं, वैसा वाला सिस्टम नहीं है इसमें। तो दोस्तों, एक नंबर सिलेंडर छोड़ के पूरा टैपिट जाम था इसका। तो चलिए हम इसको खोल के बाहर निकाल लेते हैं। चलिए, हमने खोल लिया है, इसको बाहर निकालते हैं हम इसमें, क्योंकि इसका मेरे को मालूम है इसका हेड चेंज करना पड़ेगा। लेकिन हम बिना कुछ पैसा खर्चा किए हुए गाड़ी को कैसे सुधार कर सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। ऐसा ना कि ऐसा वैसा जुगाड़ जुगाड़ अच्छा है, चलेगा, 1 से 2 साल तक तो आराम से चलेगा। अभी जो ये मैं उंगली रखा हुआ हूँ ना, वहाँ पे मैं एक वाशर पतला 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 बराबर में 5 वाशर लगेगा। 5 जगह है, 5 वाशर लगेगा कोई भी गाड़ी में, गाड़ी का जिसमें ऑटोमेटिक रहेगा। अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका हेड फेसिंग ज़्यादा हो चुका है। अभी देखिए, मैंने
वासर पूरा में डाल दिया है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, हम बिना हेड खोले हुए इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये वाला ये वासर हेड में जो फेसिंग किया हुआ उसको ये माइनस कर देगा, बराबर में लेके आ जाएगा। तो इंशाल्लाह ये गाड़ी ओके हो जाएगा। चलिए तो हम फिटिंग करते हैं, ये इसका गाइड हम डाल देंगे पूरा। क्योंकि ये गाड़ी में बहुत खर्चा हो चुका है, रेट का काम, इंजन का काम, सब चीज़ मिसिंग की वजह से सब काम मैकेनिक में खराब हो गया। ऐसा ना कि वो मैकेनिक खराब हो, लेकिन होता है जब छोटी छोटी प्रॉब्लम में इंसान के दिमाग में आता है। सरकार रेट वेट नहीं चेंज करेंगे, ये चाहते हैं कि कम से कम पैसा में बिना पैसा लगे हुए पैसे चलिए हम फिटिंग करते हैं इसको। इंशाल्लाह गाड़ी पिकअप विकप, अरे पिकअप बिल्कुल ही नहीं बना रहा था, अब इंशाल्लाह सब चीज़ ठीक हो जाएगा। अभी मैंने फिटिंग कर दिया इसको पूरा एकदम अच्छी तरीके से, अब हम इसका कवर लगा लेंगे, कैपिट कवर। टैपिट कवर पाइप फिटिंग कर दी है, चलिए हम आपको स्टार्ट करके बताते हैं इसको। Thank you.